दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका एमएनएस न्यूज की खास पेशकश में, सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल के तरफ, जो कि आया है ममता जी का, जो कि है गोंदिया से। हेलो। हेलो, क्या आप मैम आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, बोलिए। मैम, मेरा नाम ममता है, मैं गोंदिया की रहने वाली हूँ। जी। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पति छोटी मोटी नौकरी करते हैं जिसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता। अच्छा। इस वजह से मेरे रिश्तेदारों ने मुझे एक डेटिंग ऐप के जरिए काम सिखाया। शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे इस काम से मुझे खूब पैसा मिला, जिससे मेरी और मेरे बच्चों की सारी जरूरतें पूरी होने लगी। लेकिन पिछले महीने मेरे डेटिंग ऐप पर मेरा ही रिश्तेदार मुझे होटल के कमरे में मिलने बुलाया। इस काम की वजह से मैंने अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, जिस वजह से मेरे पूरे रिश्तेदारों में मान सम्मान खत्म हो रहा है। अब मुझे डर है कि मेरे बेटों को मेरी डेटिंग ऐप का पता ना चल जाए। अब मैंने क्या करना चाहिए, आप कृपया सलाह दें। ठीक है, जवाब देखिए ममता जी, आपने हमें बताया है कि आप एक डेटिंग ऐप यूज करते थे। आपको पता है कि सेक्स वर्कर होना हमारे देश में या हमारे देश की संस्कृति में के खिलाफ है। आपने जो रास्ता चुना है पैसे कमाने का, वह बहुत ही घिनौना रास्ता है। इस रास्ते पर चलने से आपके अपने बेटे भी आपसे नफरत ही करेंगे। आपने हमें बताया है कि आपने ही रिश्तेदार के साथ डेटिंग पर गई थी, इसका खुलासा आपने किया नहीं है। आप इस व्यवसाय से दूर रहे, क्योंकि यह व्यवसाय आपको और आपके परिवार के लोगों को तथा रिश्तेदारों की नफरत ही मिलेगी। मेरा सुझाव आपको एक ही है, आप इस व्यवसाय से दूर ही रहे, इसी में आप सबकी भलाई है। आइए बढ़ते हैं दूसरे कॉल की ओर। दूसरा कॉल है निराली जी का, जो कि है चंद्रपुर से। हेलो। हेलो, हाँ, मेरा नाम निराली है। जी मैम, बोलिए। मैं चंद्रपुर की रहने वाली हूँ। जी मैम, कुछ दिन पहले मुझे लड़के वाले देखने आए थे। अच्छा। मेरा रिश्ता भी पक्का हो चुका है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि लड़के के साथ जो मेरी एक दो मुलाकातें हुई, उसे साफ नजर आता है कि वो शराबी है और झूठा इंसान है। अच्छा अच्छा, बोलिए ना। हमारा सीधा साधा परिवार है और मैंने मेरे परिवार वालों से अभी तक लड़के के शराब पीने वाली बात नहीं की है। अच्छा। मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगी, जबकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मुझे उचित सलाह दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ? जवाब देखिए निराली जी, आप जो सोच रही है वो आगे के भविष्य के बारे में ही आप सोच रही है। आपको जब पता है कि आपकी जिस व्यक्ति के साथ शादी होने वाली है वह आपके बिल्कुल लायक नहीं है, तो आप अपने परिवार वालों से खुलकर इस विषय में बात करिए। आपके परिवार वाले आपका हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, वह जानबूझकर आपका ऐसे ही किसी के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। आज के जमाने के अनुसार अच्छे जीवन साथी को चुनना आपका अधिकार है। आप बिना किसी से डरे इस रिश्ते से इनकार कर सकती हैं। हो सकता है आपको इससे भी अच्छा जीवन साथी मिले। आपके दिल की सुनकर आप सही फैसला ले सकते हो। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।